आप देख रहे हैं प्रभात खबर। गुमला प्रखंड के मुरकुंडा गांव में आयोजित महायज्ञ से पूर्वी क्षेत्र के 50 गांवों में भक्ति का माहौल है। पूर्वी क्षेत्र के लिए मुरकुंडा गांव भक्ति का केंद्र बन गया है। श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हो सकता उसमें भी। यह जो गुमला के पावन धरा पर यज्ञ हो रहा है, यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व के मंगल का कामना लेकर के यज्ञ हो रहा है। और आपने पूछा कि वृंदावन की धरती से आकर के आपको गुमला में कैसा लग रहा है, हमें तो यहाँ साक्षात वृंदावन ही दिख रहा है। और जिस प्रकार वृंदावन में भक्ति में नृत्य करती है, ऐसे गुमला क्षेत्रवासी और मुरकुंडा क्षेत्रवासियों के हृदय में भी हमें साक्षात भक्ति में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महायज्ञ स्थल पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हर दिन महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और महाभंडारा में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाभंडारा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रही है। यहाँ स्वास्थ्य कैंप भी लगा है। बस ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कि मन में ऐसी लालसा आई कि सभी भक्तों को, ब्राह्मण है, धर्म है हमारा कि आप सभी भक्तों को और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी भारतवासियों को प्रभु की दिव्य कथा से जोड़ें, भगवान की धर्म से सभी को जोड़ें, क्योंकि भगवान ने धर्म ही, जो भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान ने जन्म लिया, इसीलिए लिया कि धर्म की रक्षा हो। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। महायज्ञ स्थल पर कथावाचिका किशोरी आशिता द्वारा हर दिन लोगों के बीच भक्ति का रसपान कराया जा रहा है। 2016 से इस गुमला में मैं आया और इस गुमला में आकर के शुरुआत जग हमारा एक अल्बर्ट स्टेडियम गुमला में राम यज्ञ 9 दिन का संपन्न किए। उद्देश्य मेरा यही है कि जो जन जन में दुख फैला हुआ है, उस दुख को हटाने के लिए भी तो भगवान कुछ मार्ग भेजे होंगे। दवा के माध्यम से ही दुख नहीं हट सकता। अगर भगवान चाहें तो भगवान का भजन करने से ही सारा दुख हमारा समाप्त होगा। इसी उद्देश्य से मैं गुमला जिला में लगातार यज्ञ का आयोजन करते रहा हूं और करते भी रहूंगा। महायज्ञ में भाग लेने के लिए दूसरे जिला और राज्य से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। महायज्ञ आयोजन समिति के भोला चौधरी ने बताया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए शिवलिंग का निर्माण तेजी से हो रहा है। 7 मार्च तक शिवलिंग बनकर तैयार हो जाएगा। खास वही है जाते हैं, जिस धरती पर, जिस स्थान पर, जिस प्रांगण में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो जाता है, वह साक्षात श्रीधाम वृंदावन ही बन जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये गुमला केवल वृंदावन ही नहीं बना, क्योंकि हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा इस यज्ञ मंडप में, महाराज जी के कुशल मंगलानुशासन में, जो ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का, सभी तीर्थों का, सभी वेद पुराणों का जो आवाहन स्थापन किया गया है, तो यह ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बन चुका है हमारा यह मुरकुंडा प्रदेश। अवतार लिया है तो उसी सब हम सब भी उसी तैयारी में लगे हैं कि महाराज सभी भगवान की भक्ति से जुड़े, सभी प्रभु की दिव्य कथाओं का श्रवण पान करें, सत्संग से जुड़े, यही प्रयास हम सभी का है।